सीएम हरीश रावत के अब ताबड़तोड़ दौरे सभी विधानसभाओं में शुरू हो गए हैं। सीएम हरीश रावत खानपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी यशवीर के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन और चुनावी सभा में भाजपा पर जमकर बोले। जो ये सिर्फ एक छोटा सा कार्यालय का उद्घाटन था और पब्लिक का जो सा खरोश, वैसे ही बता रहे थे चुनाव है ही, चुनाव में बीजेपी जो ताकत दिखा रही है हम उससे कम हो रही, उसमें कांग्रेस उसे विफल कर देगी और ये तो पब्लिक अपने आप निर्णय लेगी। 15 तारीख को हरीश रावत की सरकार गिराएगी, कांग्रेस की सरकार गिराएगी और ये पूरा उद्घाटन देखेगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार। 3 बार से विधायक रहे पंडित सिंह चैंपियन, क्या मानते हैं कितना कितना ग्रीन मुकाबला रहेगा और जनता कितना साथ देगी? देखिए हर चुनाव में मुकाबला तो होता है, 3 बार विधायक रहे लेकिन विधायक जैसा उन्होंने कोई हरकत नहीं की। जो विधायक होता है वो मान भी करता है, सम्मान भी करता है और विकास भी करता है। मान सम्मान के नाम की चीज तो उनके यहाँ ही नहीं, इस बार जनता उन्हें जवाब देगी, उन्हें सिखाएगी कि मान सम्मान कैसे। क्या इस बार कानपुर की जनता परिवर्तन चाह रही है? देखिए कानपुर की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर उस व्यक्ति की परिवर्तन है जिसका अपमान हुआ हुआ है और हर गरीब आदमी की एक आवाज है कि मान सम्मान को लेकर और विकास को लेकर मुद्दा बनाएगी, जिसे कांग्रेस हमेशा उस चीज को सही बना। हमारा एजेंडा है दुख दर्द में साथ रहना, जनता की सेवा करना और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र का विकास करना। कहने में विश्वास नहीं रखते, करके दिखाएंगे और ये निसंकोच हरीश रावत जी के साथ और कांग्रेस के साथ आपको दिखाई देगा। सीएम हरीश रावत ने कहा कि मेरी 9 बकरियां दिल्ली वाले थानेदार ने खरीद ली हैं। दिल्ली वाले थानेदार सिर्फ मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। कोई यहाँ लठ लेकर के आ रहा है, कोई तोप लेकर के आ रहा है, कोई दोनाली राइफल लेकर के आ रहा है और हर कोई जो है हर किसी के निशाने पर हरीश रावत है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर छाती तुम्हारी कितनी बड़ी क्यों ना हो लेकिन दिल तुम्हारे अंदर बहुत छोटा है। अरे जिस समय मेरे उत्तराखंड पे घाव लगे थे, जिस समय हम मरहम तलाश रहे थे कोई तो पहाड़ रखे हमारे घावों पर, जिस समय उत्तराखंड तड़प रहा था उस समय कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पूछा? और आज जब चुनाव है तो नाना प्रकार के सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हो, हिमाकत कर रहे हो ये पूछने की कि कहो हरीश रावत तुम बताओ क्या किया। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हमने केदारनाथ में करके दिखाया है, जिस केदारनाथ के लिए तुम कहते थे जब मैंने कहा था चार धाम यात्रा शुरू करूंगा तो तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड वही आएगा जिसने सर पर कफन बांध रखा है और हमने सर पर कफन बांध करके केदार नगरी को एक भव्य नगरी के रूप में स्थापित कर दी। रावत की सरकार दल बदल से प्रभावित होने वाली आखिरी सरकार नहीं होगी। 16 साल में 8 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, फिर आप 8 साल में 16 मुख्यमंत्री देखने के लिए तैयार रहिए। इसलिए मैं रुड़की के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये चुनाव के अंदर हमने सैद्धांतिक फैसला लिया है और आपको भी सैद्धांतिक फैसला लेना है। हमने आपको ऐसा व्यक्ति दिया है जिसने आखिर तक पार्टी के फैसले का इंतजार करने का काम किया है और हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने आशीर्वाद से आप उनको आशीर्वाद दीजिए और आपके विकास को आगे बढ़ाने के लिए हरीश रावत काम करेगा। सीएम हरीश रावत ने खानपुर प्रत्याशी चौधरी यशवीर के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की और खानपुर को विकास की ओर ले जाने की बात कही। सीएम ने बजट को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आवाम के लिए अर्थव्यवस्था के लिए देने वाला बजट नहीं है और पर्वतीय राज्यों के लिए, हिमालयी राज्यों के लिए भी निराशाजनक है। हम 3 बोनस की मांग कर रहे थे, हम हिमालयी राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे, उत्तराखंड के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे। हमारा ही पैसा बाकी है उसके भुगतान की बात कर रहे थे, कहीं भी कोई आशा इस बजट में उत्तराखंड के लिए नहीं। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।